अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आप जितने भी दर्शक जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पास में 3-4 स्टूडेंट खड़े हुए हैं और इन लोग से जानेंगे। आप वीडियो का आखिरी तक देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। और हम लोग के लड़के पासपोर्ट लेके पकड़े हुए हैं, पासपोर्ट लेके खड़े हुए हैं और इन लोग से जानेंगे कहाँ से आएँ, क्या चीज़ सीखें, कैसा सीखें, किस तरह का ट्रेनिंग हुआ जो आज ये पासपोर्ट और एक हाथ में ऑफर लेटर लेके खड़े हुए हैं। देखिए ऑफर लेटर और साथ में पासपोर्ट भी है। तो ये इनकी पासपोर्ट है। तो देखेंगे, आप जानेंगे इनसे कि किस तरह का ये ट्रेनिंग किया, किस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ की इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप है? सर मेरा नाम इकबाल अंसारी है, मैं बोकारो झारखंड से आया हूँ। बोकारो झारखंड से? यस सर। तो यहाँ क्या चीज़ का ट्रेनिंग किए? सर मैं HBSC का ट्रेनिंग किया हूँ यहाँ। अच्छा। जमशेदपुर में। अच्छा, जमशेदपुर में HBSC का ट्रेनिंग। यस सर। पढ़ाई के दरमियान अभी आप पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे? यस सर। तो पढ़ाई के दरमियान ऐसा क्या हो गया कि आपके हाथ में ऑफर लेटर आ गया? सर पढ़ाई के दरमियान जैसे मैं शुरू से तैयारी की है, आप और सर मिलके कितना तैयारी की है? सर ने तो तैयारी मेरे को अच्छे से करवाई है और मैंने अच्छा। मैंने भी अच्छे से तैयारी की है। हाँ। इसलिए मेरा ट्रेनिंग 4 महीना से बीचे में हो गया मेरा। अच्छा अच्छा। इकबाल आप कहाँ तक पढ़ाई कहाँ तक किए? सर मैं पढ़ाई इंटरमीडिएट हूँ। इंटरमीडिएट? यस सर। और यहाँ पर गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में HBSC का कोर्स कर रहे हैं? यस सर। तो उसके जो सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो किस तरह का फोकस क्या चीज में किए कि आपका इंटरव्यू आप क्रैक कर लें? हमारे नदीम सर का पढ़ाई बहुत अच्छा है और फोकस भी बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों को हेल्प बहुत करते हैं पढ़ाई में। कोई भी अगर अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाता है तो हम लोग पूछते हैं सर को कि सर इस चीज के बारे में बताइए, तो बहुत अच्छे से विस्तार से सर बताते हैं हम लोगों को। चलिए और एक चीज पूछेंगे इकबाल अंसारी, आपका हाथ में ये ऑफर लेटर भी है इनका, ये देखिए इनका ऑफर लेटर भी है और साथ ही साथ ये इनका पासपोर्ट भी है और ये इनके पास में आ गया। अभी ये 2-4 दिन के बाद में ये यहाँ से घर जाएंगे, उसके बाद फ्लाइट में जाएंगे। जब आप यहाँ थ्योरी पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, सर ने आपको गाइडलाइंस दे रहे थे, तो जब हम लोग पास वैकेंसी आती है तो कैसा पता चला आपको, वैकेंसी के बारे में कैसा पता चला कि फलाना जगह में आइए इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में ऑफिस में कितना कॉपरेशन करना पड़ा? सर उसके लिए हम लोगों का जो सर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि थ्योरी तो प्रैक्टिकल सर बताते हैं, साथ ही साथ ऑफिस के जो स्टाफ है कितना कॉपरेशन किए जॉब के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, आपको बुला करके इंटरव्यू कराना, उस तरह का थोड़ा सा उसमें कुछ बताइए। सर करते हैं, अगर कहीं इंटरव्यू आ गया तो सर बोलते हैं चलो वहाँ इंटरव्यू देना है। अगर वहाँ अगर नहीं भी हुआ या हो भी गया सिलेक्शन तो इसके लिए भी सर हम लोगों को मतलब क्या तैयारी कराना है। जगह नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर दूसरे जगह के लिए फिर हम तैयारी कराते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस तो बढ़े कि हम लोग कर सकते हैं। आप इतना दिन से कितना बार इंटरव्यू दिए? सर मैंने तो एक बार इंटरव्यू दिया है GTI में, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और मेरा सिलेक्शन हो गया एक ही बार में, क्योंकि हमारे सर वैसा पढ़ाई है। अभी और आप मेरा कहाँ जा रहे हो? मैं दुबई जा रहा हूँ इनाया कंपनी में। इनाया कंपनी? क्या सैलरी लगी है? सैलरी मेरा 1600 रुपीज लगी है। यस सर। कुछ कम नहीं हो रहा? नहीं सर। सर के लिए ठीक है? ठीक है। क्या एज है आपकी? 20-20। Yes. ये देखिए 20 ईयर्स में अभी ये बाहर चले गए, आप लोग बैठ करके वहाँ देखते रहिए, बस सोचते रहिए और हाँ करेंगे भाई आप करके आ जाओ, तुम लोग चले जाओ, दोस्तों लोगों को बोलते हैं तुम लोग चले जाओ करके आओगे बताओगे तब हम लोग जाएंगे। अब भी ये इकबाल जो है करके चले गया और जाके दुबई में पैसा कमा के आएंगे तभी आप लोग आइएगा यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना है तो आप आ जाइए, जिसको करना है वो आ जाइए। अगर आप चाहते कि सक्सेस होने के लिए, कौन करेगा सक्सेस होगा वो उसकी किस्मत है, उसकी मेहनत है, आप भी मेहनत करो, आप भी किस्मत लेके आओ यहाँ पर, अजमा कोशिश करो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए कोशिश करो। जितने भी इंटरव्यू आती है उसमें बैठ करके इंटरव्यू में बैठो, इंटरव्यू में देने का कोशिश करो, इंटरव्यू वहाँ पर आप सिलेक्शन होने का कोशिश करो। जो भी इंटरव्यू में तैयारी हम लोग कराते हैं वो इसी तरह से हम लोग के पास में ये इकबाल अंसारी जो कि पासपोर्ट है लेकर के जा रहे हैं और इनकी इनाया कंपनी में सिलेक्शन हो चुकी है, दुबई की एक इनाया कंपनी है, वहाँ भी हम लोग के काफ़ी स्टूडेंट गए हैं और इनकी 1600 में हुई है। अभी इनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, इससे अच्छा है कि कहीं भी जाके दुबई नहीं जाकर के अगर दिल्ली में, मुंबई में या कलकत्ता में, हैदराबाद में करता तो 15-18 हज़ार सैलरी मिलता, इससे अच्छा है कि इनको 1600 यानी कि लगभग इनका 30,000 से अबव सैलरी बन जाती है। तो आराम से जाइए, दुआ करते कि वहाँ जाओ इकबाल और खुश रहो, ढेर सारा पैसा कमाओ। मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज से हूँ। अच्छा,
अभी आपका भी ट्रेनिंग चली रही थी? यस सर। आपका भी इनाया कंपनी में सिलेक्शन हुआ? यस सर, मेरा इनाया कंपनी में हुआ है। अच्छा, तो पढ़ाई के दरमियान कितना बार इंटरव्यू दिए आप? सर हम लगभग 4 बार इंटरव्यू दिए हैं, 4 बार क्रैक हुआ है। अच्छा, तो वो सब में नहीं जाकर किसमें जा रहे हैं? सर उसमें कुछ कुछ ना कुछ कमी था, इसके चलते। अच्छा, कंपनी अच्छी नहीं थी या सैलरी कुछ कमी था? यस सर। ये 1600 धर्म से ठीक है, मतलब कि उतना इनफ है आपके लिए? सर अभी फ्रेशर हैं तो सही है। क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? क्वालिफिकेशन 12th है। और एज कितनी है? 29 ईयर्स। 29 ईयर्स, काफी एज हो गया माशाल्लाह। तो आप रुकना भी नहीं चाहिए, जितना से जितना जल्दी हो सके आप बाहर जाइए, कमाइए ढेरों सारा पैसा कमाइए। क्या बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स लोग को? व्यूअर लोग को बोलना चाहेंगे कि जो भी देख रहा है वो, जैसे हम भी यूट्यूब निकाल के देखते थे पहले, तो मैं आपके सर आपके वीडियो डालने से ही मुझे सीख मिला। मैं बोला कि यहाँ 10,000-12,000 तो हम लोग कमा कहीं भी मिल जाता है, मतलब खा पी कर बचा लेते हैं। तो आपका यूट्यूब सर हम भी बार बार देखते थे वहाँ। फिर मुझे भी जैसे आप इतने लड़कों को एक साथ कर रहे हैं तो मैं भी देखता था। फिर सर धीरे धीरे मुझे भी साल भर लग गया। अच्छा। फिर मैं आया, मैं भी वहां से ठान लिया कि मुझे भी लेना है, आप जाना है। तो फिर मैं आया और यहाँ मुझे कामयाबी मिल गया। तो मैं आज अपने आप को कामयाब पा रहे हैं? जी सर, कामयाब है। तो मैं भी यही कहूंगा सर, आप जो ये काम कर रहे हैं अच्छा है, और जो भी लड़का देख रहे हैं वो सोचे नहीं, क्योंकि हम उतना अथी नहीं है। आइए और तैयार कीजिए, सर भी सही से पढ़ा देते हैं और आराम से आप सर के पढ़ाने के लिए। हमारे नदीम सर वो पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तैयारी भी कराते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ऑफिस के स्टाफ जो कॉपरेट करते हैं, खास करके जहाँ इंटरव्यू आता है, आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को फोन करके बताते हैं फलाना जगह इंटरव्यू है, आप लोगों का मेडिकल कराना है, आप लोगों का इंटरव्यू में बैठाना है, वहाँ नहीं हुआ दूसरे जगह, उसका बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर उसके बारे में बोलना चाहेंगे सर, बहुत अच्छा से सपोर्ट किया जाता है। जैसे एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आपको यहाँ इंटरव्यू है, चाहे हमारे यहाँ ये इंटरव्यू आ रहा है, आप इस चीज में आ रहा है, आप इस चीज का तैयारी कर लीजिए। तो उससे हम लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है, और हम उसी चीज को पढ़ के, और जैसे कि हमारा सर इनाया में ही हुआ, सर बोले थे कि ये चीज पूछेगा, और एक दिन पहले कला करीब 4 बार आप इंटरव्यू दिए है ना? नहीं सर, इनाया में नहीं, अलग 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 अलग। तो बोले सर कि यही ये चीज पूछता है। अच्छा। उसका तैयारी भी करा, फिर आदमी दिया और क्लियर हो गया। चलिए मैं भी चाहूंगा खुश रहो, आप ढेरों सारा पैसा कमा करो दुबई के लिए। और हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है, कहाँ से? सर मेरा नाम सैयद फाजिल फैज है, हम आंध्र प्रदेश से, कड़वा डिस्ट्रिक्ट। अरे आंध्र प्रदेश है जी सर। तो यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही है? नहीं, ऑलरेडी हम तो हिंदी वहाँ से आई, तो आए तो यहाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ऐसा? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन में आपका इंस्टीट्यूट का नाम भी है, तो उसे ऑनलाइन में देख के इधर आ गया। अच्छा, क्या किधर? तो आपका कहाँ के लिए हुआ? मेरा इनाया के लिए, दुबई के लिए हुआ। दुबई के लिए, साथ में एक साथ में हुआ? हाँ सर। क्या सैलरी लगा आपका? 1600 दिरहम लगा सर। उससे खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ सर। खुश है माशाल्लाह। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं क्लास 12th है, इंटर 12th। एज कितनी है? मेरा 20 है लगभग, 19 है। 20 साल में आपको अगर दुबई जाने मिल जा रहा तो इससे बड़ी बात और नहीं है, क्योंकि 22 साल 25 साल के बाद लेता है, 24 साल के बाद लेता है, तो 20 साल में अगर दुबई ले ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और हिम्मत करके आप जा रहे हैं, ये इनकी पासपोर्ट है और ये ऑफर लेकर आ गया है, और हम लोग के लिए भी खुशी की बात है ये जा रहे हैं। कुछ मैं चाहूंगा कि कुछ आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में और कुछ दर्शकों को बताइए। तमोड़ा बाउंड है, तमो स्टडी सीड़ा मेरे वैसे चढ़ी टेक्निकल कोर्सेस उन्नाई, ऑपरेटिंग कोर्स उन्नाई, ఇక బాగుంటాయి ఏమంటే మీరు మీ వల్ల చదువుకోవాలా, వీళ్ళు కూడా నేర్పిస్తారు, మీరు కూడా ట్రై చేయాలా డెవలప్ అవడానికి పర్సనల్గా। क्या बोले कि क्या बोले, थोड़ा सा उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। सर हम बोल रहे कि भाई लोग इधर अच्छा पढ़ाते हैं, इधर टेक्निकल कोर्स और ये ऑपरेट कोर्स भी है, अब खुद से भी मेहनत करना और ये लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। और साथ में हमारे जो सर हैं नदीम सर, खास करके बहुत ही अच्छा, आप लोग एक फैमिली टाइप का पढ़ाते हैं, एक भाई की तरह एक बेटे की तरह काफी समझा कर पढ़ाते रहते हैं, ऑपरेट करते रहते हैं। साथ ही साथ जो आपको वैकेंसी आती है, जो ऑफिस में वैकेंसी आती है, आप लोग किस तरह से बताया जाता है, ऑफिस का ऑपरेशन कितना रहता है, उसके बारे में बताओ। सर नदीम सर अच्छा फ्रेंडली है, बहुत अच्छा क्लोज देते हैं। नदीम सर को बताते हैं, साथ ही साथ जो ऑफिस के स्टाफ लोग कितना कोऑपरेशन करते हैं आप लोग से? स्टाफ लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा फ्रेंडली से लेते हैं, बहुत एकदम अच्छा नाइस से रहते हैं, कोई मुश्किल नहीं रहता, हर चीज का सहूलत रहता। कोई अगर अगर सपोज हम लोग बाहर से है तो कुछ बुखार विखार है तो लोग देखभाल करते हैं, ठीक करते हैं। इंटरव्यू आता तो बताते हैं, वहाँ इंटरव्यू लेके ज्वाइनिंग कराते हैं, 3-4 दिन पहले बिफोर बताते। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहा तो 4-5 डेज बिफोर बोलते थे, अगर बाहर से आ रहा तो 2 या 3 डेज बिफोर बोलते थे। जी सर। चलिए माशाल्लाह, आप अपनी भाषा में थोड़ा सा दर्शकों को बोल दीजिए कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करने के लिए, अपनी भाषा में बता दीजिए।
తమ్ముడు ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్కి, కమెంట్ చేయండి, బాగుంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా. మీరు ఒకసారి వచ్చి చూడండి, మీ లైఫ్కి టర్నింగ్ పాయింట్ ఇడే ఉంది, మీకు ఇడే ఉంది. चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा. और अच्छा लगा कि आप इस तरह से अपने भाषा में बताए. दर्शकों लोग के जो भी देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, और कोशिश करें कि यहाँ आकर के वो. दोस्तों, मैं साहिल से आखिरी में जो हमारे स्टूडेंट है, साहिल से जानने से पहले मैं जानूंगा कि हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो किस तरह से हमारे स्टूडेंट लोग को कॉपरेट करते हैं. हमारे सर जो है, टीचर जो है, वो तो गाइडलाइन देते ही हैं, वो थ्योरी प्रैक्टिकल बताते हैं. लड़के लोग का अलग अलग तरीके का क्लासेस कराते रहते हैं. जिस तरह से वैकेंसी आता है उस तरह से कराते रहते हैं. वैकेंसी आता है, वैकेंसी में बैठाना है, इंटरव्यू में बैठाना है, कैंपस में बैठाने का जो हमारे स्टाफ लोग काम करते हैं. मैं जब से पहले जानूंगा नाजिद से, आप बताइए थोड़ा से किस तरह से आप कॉपरेट करते हैं लड़के लोग पे जब आती है. तो सबसे पहले सर, हमारे पास दुबई, सऊदी, कतर, ऑल ओवर एशिया या गल्फ कंट्रीज, हमारे पास या इंडिया में भी आती है, इंडिया के भी लोकल जॉब के लिए भी आती है. तो हमारे पास वैकेंसी एक हफ्ता पहले या चार दिन पहले आता है, तो हम लोग अपना नोटिस बोर्ड हो गया, सर के थ्रू हम लोग सारा नोटिस सर्कुलेट कराते हैं, क्लास में जाके बताते हैं इस कंपनी का इंटरव्यू है, इतना साल एक्सपीरियंस है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना या 4 साल का, तो उसमें कैसे सीवी बनेगा आपका, किस तरह का नेचर ऑफ जॉब होगा, क्लाइंट आपसे क्या पूछेगा, एचयू के बारे में, के बारे में कौन सा कैटेगरी का रहता है, एसी भी रहता है, एचवीएसी भी रहता है. एचवीएसी में आपको एचयू एफसीयू आता है डक, और आपका चीयर से पूछता है, और एसी में आपका विंडो एसी, स्प्लिट एसी, इंस्टॉलेशन, ब्रेजिंग के बारे में पूछता है. तो हम लोग लड़के लोग को उसी से ज्यादा प्रैक्टिकल कराते हैं, थ्योरी भी कराते हैं, प्रैक्टिकल में भी ले जाकर 2 दिन घुमाते हैं कि हाँ ये टूल्स का नाम है, और ये सारा कुछ इंटरव्यू में सब पूछा जा सकता है. मेडिकल कराना, मतलब कि अगर इंटरव्यू में निकल जाते तो उन लोगों को मेडिकल कराना, मेडिकल कहाँ होगा, मेडिकल होने के बाद मेडिकल पेपर सब सबमिट करना, ये सारा चीज हम लोग जो है ना बताया जाता है उन लोगों को. तो लड़के उसमें कॉपरेट करते हैं, लड़के लोग बिल्कुल इंटरेस्ट करते हैं. वो हमसे आके 2-4 दिन पहले मिलते हैं, उनका एक्स्ट्रा क्लास किया जाता है. अच्छा. और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल भी हम लोग देते हैं, जो उनको कंफ्यूजन रहता है, ब्रीजिंग बताते हैं या फिर फ्रेलिंग बताते हैं, एचईएफसी के बारे में हम लोग खोल के सारा. उससे पहले पेपर वर्क तैयार करना पड़ता है, जिसको सीबी कहते हैं, बायोडाटा कहते हैं. कहीं कहीं पर सर ऐसा होता है कि डिप्लोमा चाहिए रहता है, तो हमारे पास बीटेक वाले भी है, मैट्रिक वाले भी है, इंटर वाले भी है, तो हमारे पास आईटीआई वाले भी वाले हैं. हम लोग उनका सीबी उसी हिसाब से बनाते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल निकल जाए, तो उनको कोई भी कंपनी में इजिली सिलेक्शन हो जाता है सर. मसाला ये थे नाजिद सर, जो कि काफी कॉपरेट करते रहते लड़के लोग को ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग से लेकर के कहीं भी इन लोग को जॉब में लगे या कैंपस में या इंटरव्यू कहाँ आता है, इन लोगों को बताते हैं और नोटिस पे भी लगाते हैं, इन लोगों को लेके भी हम लोग जाते हैं, और साथ ही साथ इनका कॉपरेशन काफ़ी अच्छा रहता है लड़के लोग का. साथ ही साथ हमारे पास में मैम है, जो मैम काउंसलिंग जो करते हैं, तो आप लड़के लोग का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है एडमिशन से पहले, उन लोग सोचते रहते हैं कि यार ले या नहीं ले, पैसा तो लेके आते हैं यहाँ पर, बट उन लोग लेते नहीं जल्दी, और उन लोग सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा, या उनको कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, मैं तो सीख लूंगा, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर देखिए, बेसिक सबका यही नीड है, जो कि हर इंटरव्यू में, हर हम लोगों के व्लॉग में या हर वीडियो में हम बताते हैं, इन लोग की बेसिक नीड यही है कि हम लोग अच्छी जगह से एक ट्रेनिंग प्राप्त करके और अच्छी जगह हम लोग हासिल करें, एक अच्छा हम लोगों को जॉब ऑफर मिले. तो ये सब तो सर हम इनको प्रोवाइड करते ही हैं सर. और इनकी काउंसलिंग में एक शक जरूर रहता है कि जी हाँ फीस तो बहुत ज्यादा है, फीस ज्यादा है मैम क्या. तो मैं यही कहना चाहती हूँ सर, हर वक्त जो कहती हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट है आपके भविष्य की ओर, जिस भविष्य को आप देख रहे हैं 1600 dirham, एक अच्छा स्टार्टअप है आप लोगों के लिए. जो लोग घर बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें, उनके लिए एक उदाहरण है 4 लोग, और हम हर बार यही उदाहरण देते हैं कि देखिए आप बैठ कर के सोचिए मत, अपना समय मत गवाइए. जितने समय आप अपना समय गवाएंगे, उतनी दूर आप बेरोजगारी से रहेंगे जुड़े हुए. और जितना आप फोन घुमाएंगे, जितना हमसे पूछेंगे, आप जानकारी लेंगे, यहां आएंगे, आपके लिए उतना बेटर है. तो कोशिश करिए, आपकी इंक्वायरी करें. और सर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी हमारे को स्टाफ नाजिश सर के लिए, उन्होंने तो बहुत छोटा सा बात बोल करके कर दिया कि हम लोग तैयारी करते हैं. दोस्तों इनकी बहुत मेहनत रहती है, ये सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज को मानते हैं. इनके पीछे भागना मतलब कि इनके भविष्य के लिए ये भागते हैं, हम भागते हैं, हम तत्पर रहते हैं कि कैसे इनको इनके मुकाम तक हम लोग पहुंचाए. और हर बच्चा जो सफल होता है, हमारे चेहरों से आप पता कर सकते हैं, इनके चेहरे से आप पता कर सकते हैं, कितनी खुशी मिलती है सर. एक लड़का जब वो मतलब इंटरव्यू देता है, अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, वो क्रूशियल टाइम रहता है, वो सिलेक्शन कर नहीं पाता, चूज कर नहीं पाता कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं. वो है उन लोगों को जब पेपर मिलता है साइन करने के लिए, एग्रीमेंट पेपर, वो डिसाइड नहीं कर पाता. कभी घर वाले से पूछता, कभी दोस्तों लोग से पूछता, कोई बोलता है चले जाओ, कोई बोलता है चले नहीं जाओ. उसको मोटिवेट करते हैं हम लोग. वही टाइम क्रूशियल टाइम रहता है, वो जो 8-10 मिनट का टाइम रहता है, 10 मिनट का टाइम रहता है, वही टाइम में इन लोगों को बहुत क्रूशियल टाइम इन लोगों को भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप जाओ, बाकी हम लोग पीछे खड़े हैं. वो भरोसा नाजिश दिलाने का काम करता है, वो मेरे ही सपोर्ट से भरोसा दिलाने का काम करता है. लड़कों को भेजो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी होगा तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं. किसी तरह लड़के तभी डिसाइड कर पाते हैं. तो वो टाइम में अगर उन लोग को अगर फीडबैक ना मिले,
तो लड़के बैक बहुत होते हैं, तो यही कारण कंफ्यूज रहते हैं, तो यही कारण है कि हम लोग के पास में लड़के का सिलेक्शन बहुत ज्यादा भी होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब दिलाने के लिए। आज देखिए एक हाथ में सर्टिफिकेट, एक हाथ में जॉब इनके पास में रखी हुई है और इन लोग जॉब में जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि आपकी उड़ान हमारी पहचान बनती है। तो लड़के लोग जितनी फ्लाइट करेंगे, जितने उड़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, हमारा इंस्टीट्यूट उन लोग का पीछे पीछे आगे बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हम लोग भी मेहनत करते रहते हैं। चलिए थैंक यू मैम, आपने बताया। हमारे पास में एक है जो कि साहिल। साहिल आप बताइए कि आपकी कैसे तैयारी हुई कि आपका सिलेक्शन हो गया। सर सबसे पहले सर मैं यहाँ आया था तो सर जो भी ऑफिस के जितने मेंबर है हमको बहुत सपोर्ट किए हैं, वो बताएं कि इस टाइप से आपको इतना लगेगा, जहां तक हो पाया रहने से लेकर खाने तक, और एनी कंडीशन कभी बीच में फीवर भी आया तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और जैसे ही कोई वैकेंसी आता है हम लोग को इन्फॉर्म किया जाता है, या तो फिर मोबाइल से या तो फिर किसी आदमी के थ्रू बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया जाता है। और जैसे कि कोई चीज का वैकेंसी आया तो बताया जाता है ये सब चीज का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसकी तैयारी कर लो, तो हम लोग को 2-3 दिन पहले बता दिया जाता है, जिसके वजह से हम लोग मतलब कि हम नदीम से हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आप जब यहाँ पर इंटरव्यू दिए कैंपस में, लगभग आपके लाइन में कितने लड़के थे? हम लोग के लाइन में तो सर करीब 30 था। 30 बच्चे दिए थे जी सर, उसमें से आप लोग चारों का हो गया जी सर। जी सर, जो कि वो हमारी स्टूडेंट थे, जितने भी लड़के का सिलेक्शन हुआ है टोटल हमारे जीटीआई के स्टूडेंट थे, राइट? यस सर, यस सर, पूरे पूरे जीटीआई के स्टूडेंट थे। अच्छा जी, तो आपकी कौन सी कंपनी में हुआ है? सर इनाया कंपनी में हुई जो दुबई की है। क्या सैलरी? सर इंटरमीडिएट है, 12। अच्छा, एज कितनी है? सर 21 जी। पता है 21 में ये दुबई जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि जाओ वहाँ खुश रहो और ढेर सारा पैसा कमाओ, आपका नाम और आपके घर वाले का नाम, आपके मोहल्ले का नाम के साथ साथ में हमारे गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करो। इसी के साथ में वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहे। और जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है 9334820330, 9471308285, दोनों नंबर पे फोन करके डिटेल जान कर ले लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर भी, व्हाट्सएप से चैटिंग करके डिटेल जान कर ले लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।